क्या कहा? अपनों पर उम्मीद रखते हो, नादान हो, किस्सा यूसुफ नहीं सुना? जिन लोगों ने तारीख उठाकर देखी है वो इस शेर को समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। जो लोग इस शेर को नहीं समझ पाए तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। इस शेर के अंदर आज भी इतनी जान है, अगर कोई इसकी तारीख को पढ़ने बैठता है तो उसे अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक मिलते, पैरों तले से जमीन खिसक जाती। आपने हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना हो, आपके 12 भाई थे और आप सबसे छोटे और बहुत खूबसूरत थे। आपके अब्बा जान आपसे बहुत मोहब्बत और प्यार किया करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर एक मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान हजरत यूसुफ को बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं और हमें इतना नहीं चाहते, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मार दिया जाए। लेकिन उन्हीं में से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सबने मिलकर ये बात तय कर ली। सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा, आप यूसुफ को हमारे साथ जंगल में भेज दें, यूसुफ के साथ हमारा दिन अच्छा कटेगा। उनके बाप हजरत याकूब ने कहा कि मुझे डर है, कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया उसे जंगल में खा जाए। भाइयों ने कहा, हम एक ताकतवर जमात है, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। सभी भाई प्यार के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने लगे। तभी उनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। हजरत यूसुफ बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन उन लोगों को रहम नहीं आया। रात को रोते हुए सब भाई घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ हमारे सामान के पास बैठा था, एक भेड़िया आया और उसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता भी खून में लगाकर बाप को दिखा दिया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया और खामोश हो गए। लेकिन बेटे की जुदाई में बहुत अरसे तक रोते रहे। दोस्तों, जिस कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था उसके करीब एक काफिला आया और उन्होंने पानी के लिए एक डोल कुएं में डाला। देखा एक खूबसूरत लड़का कुएं में है, उसको बाहर निकाला। और जब ये काफिला मिस्र पहुंचा तो वहां के बादशाह ने काफले वालों को थोड़ी कीमत देकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपनी बीबी जुलेखा से कहा कि इसको पालो, हो सकता है हम इसको अपना बेटा बना लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए, उनकी खूबसूरती वजाहत व अकलमंदी और बढ़ गई। जुलेखा अजीजे मिस्र की बीबी उन पर फरोख्ता हो गई और उनको अपने नफ्स की जानिब फुसलाने लगी। एक रोज उसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब यह हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली जिससे कमीज फट गई। उस वक्त अजीजे मिस्र यानी जुलेखा का शौहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया और अपने खाबंद से कहा कि यह शख्स तेरी बीबी की बेआबरू करना चाहता था, जिसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेगुनाह हूं, बल्कि ये औरत मुझे फुसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर ये मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सफाई के लिए गवाह तलब किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र के खानदान के एक मासूम नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये उस वक्त मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ मुजरिम है, अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो पीछे से फटा था। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इस बात को जाने दो और जुलेखा से कहा कि तू माफी मांग, हकीकत में तू ही कसूरवार है। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, वो भी अपने भाइयों की वजह से। अंधेरे कुएं में रहे, गुलाम बने, जेलखाने में रहे, लेकिन जब अल्लाह की आजमाइश पूरी हो गई और अल्लाह पाक ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया तो भाइयों से कोई बदला नहीं लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा वाक्य नहीं सुना सकते। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।